हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रांत शौकीन है और मैं अलास्कन का ब्रीडर हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरे डॉग कैनल का नाम है शौकीन मैलाम्यूस। वेलकम टू द स्कूबर फैमिली। दोस्तों फैमिली, आज हम बात करेंगे अलास्कन मैलाम्यूट के बारे में, जो है दुनिया की सबसे पुरानी डॉग ब्रीड में से एक। लगभग 1000 साल पुरानी ये ब्रीड है और इसकी ओरिजिन है इसका वेस्टर्न अलास्कन। अमेरिकन कैनल क्लब ने इसको 1935 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। वेस्टर्न अलास्कन के लोग, काफ़ी जो ट्राइब के लोग इसको पालते थे, वो फुली इसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे। जैसे सील का शिकार करते थे वो, प्लस इसे इनसे स्लेजिंग का काम लेते थे। ये स्लेजिंग करने में बहुत होशियार होते हैं, बार्किंग करने में ये बहुत स्लो होते हैं, बहुत कम बार्किंग करते हैं। और इंडिया में जैसे इसको पेट ओनर की तरह भी पाल रहे हैं लोग, या अपनी अभी ट्रेंड आ चुका है कि इसको पेट ओनर की तरह इसको रखें घर में, लेकिन एज ए पैट ये काफ़ी लेज़ी डॉग है। ये खाने पीने के लिए इतना बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बहुत कम खाता है। ऐसा नहीं है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कम खाता है, काफ़ी लेज़ी डॉग है। एक्सरसाइज इसको प्रॉपर चाहिए, आपको सुबह शाम इसको एक्सरसाइज करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी, अगर इनको आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो कई बार देखा गया है कई वर्ल्ड में ऐसे अलास्कन मैलाम्यूट आपको मिल जाएंगे जो 100 kg क्रॉस भी हो चुके हैं, लेकिन इनका सेहत का ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है इनकी श्रेडिंग की। श्रेडिंग ये कितना करते हैं दोस्तों? ये श्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत हैवली श्रेडिंग होती है इनकी, क्योंकि काफ़ी फर भी इनका काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी डेंस होता है। इसलिए आपको एक प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर घर में रखना पड़ेगा और वीकली 2 से 3 बार हर वीक इसको आपको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा फर इनका झड़ता है, जिसको आपको निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही श्रेड कर जाते हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर केयर करोगे, अच्छा प्रोटीन वाला खाना दोगे, अच्छा ओमेगा 3-6 दोगे, तो काफ़ी लो श्रेडिंग भी हो सकती है। एक बात और कॉमन आती है कि क्या अलास्कन आप इंडिया में रख सकते हो? भैया, अलास्कन रखना मुश्किल है, ऐसा नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप रख सकते हो, क्योंकि अंटार्कटिका या वेस्टर्न अलास्कन में भी अगर किसी ने रखा हुआ है तो -70 तक उसका टेम्परेचर जाता है। इंडिया में आप इसको छोटी जगह में बिल्कुल नहीं रख सकते, अपने बैक यार्ड आपके पास बड़ा होना चाहिए। सैर करवाने के लिए एक आदमी प्रॉपर होना चाहिए जो सुबह शाम इसको सैर करवा सके, क्योंकि वर्किंग डॉग में ये आता है, वर्किंग के लिए ही ये डॉग बना है। अगर आपको इसकी सेहत अच्छी ख्याल रखना है तो गर्मियों में आपको प्रॉपर एसी भी चाहिए। वैसे बहुत मुश्किल है इसको रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे, हम ब्रीड का आपको ये बता रहे हैं जी। अभी जिस ओनर के पास हैं तीनों डॉग आप जो देख रहे हैं, ये प्रॉपर इनकी केयर करते हैं, ये इनको प्रॉपर एसी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डेली इसको सुबह शाम एक्सरसाइज भी करवाते हैं। और बहुत कम लोगों ने इंडिया में इसको रखा हुआ है, और जिन्होंने रखा हुआ है वो इनकी केयर भी कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर इनका पपी स्टार्ट होता है, आम प्रचलन में नहीं है ये ब्रीड। अगर ये आपको लेनी है तो आपको बी रेडी होना पड़ेगा कि 10 से 12 साल के लिए इनका जो लाइफ स्पैन है उसमें आपको पूरा रेडी होना पड़ेगा, इनकी केयर करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको ला के घर में शो पीस की तरह रख दीजिए, आपको पूरा पर इसको टाइम देना पड़ेगा, ब्रशिंग भी करनी पड़ेगी, प्लस इनको एसी टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। अगर आपने सिटीज़ में रखना है तो ये बाल छोटे घरों के लिए बिल्कुल नहीं बने हुए, आपके पास जगह होनी ही चाहिए। एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ, ये अगर ये किसी और ब्रीड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं,
यह बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बचपन से छोटी ब्रीड और मेलमर्ट को आप इकट्ठे रखते हो तो आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी और डॉग के साथ इसको एडजस्ट करना है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी बोर होने वाली ब्रीड है। अगर इनको कुछ ना कुछ आपको वर्किंग करवाना ही पड़ेगा, आपको पूरा दिन इसके साथ कोई ना कोई टाइम पास करना पड़ेगा। अगर आप इसको अकेले घर में छोड़ देते हो तो ये काफ़ी शरारते भी हो जाते हैं और घर में तोड़ फोड़ आपकी पक्का करेंगे। कई लोग इसको हस्की के साथ कंपैरिजन करते हैं, हस्की से बिल्कुल ही इनका नेचर भी अलग है, साइज़ डिफरेंस है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि फर्स्ट टाइम ओनर के लिए अलास्कन क्या सही है? मेरी नज़र में ये बिल्कुल सही नहीं है। अलास्कन मेलमोट को अगर आपने रखना है तो आपको डॉग के प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वर्किंग ब्रीड होने के साथ साथ काफ़ी इसको आपको संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों के साथ भी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कई बार ये अपना गुस्सा भी दिखा देती है। ऐसा नहीं है ये बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाती, अग्रेसिव ब्रीड में भी आती है। मेन ओरिजिन इसका हंटिंग से है, इसलिए आपको कंट्रोल नेचर इसके साथ चलना पड़ेगा। आप कभी भी अलास्कन मेलमोट अगर रखें तो पप्पी ही लें, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे, हस्की के साथ इसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता। हस्की एक रशियन ब्रीड है, ये एक अंटार्कटिका से आई हुई ब्रीड है, पीछे से काफ़ी कोल्ड वेदर में रहती है। ऐसा नहीं है कि हस्की आप घर में रख लें तो मेलमोट भी आप रख सकते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये कूल नेचर के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पप्पी ही लेना पड़ेगा। अगर आप पप्पी ही लोगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसका टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इंपोर्ट लेने से बचिए अगर आपने छोटे से घर में रखना है। आप इंडिया में जो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन के जो पप्पीज़ हो रहे हैं, आप उसको मेलमोट को इंडिया में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से मेलमोट लेकर अपने घर में एडजस्ट कर लोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया का वेदर इनको बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर आप इसको इंडिया में ही ब्रीड किया हुआ डॉग अगर आप लेते हो, उसकी भी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन होगी तो मच बेटर है, वो इंडिया में एडजस्ट कर लेगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हस्की और मेलमोट यहाँ पर एडजस्ट नहीं करते, कर सकते हैं ब्रदर, अगर आपने जनरेशन गैप रखा होगा। अगर आपने डायरेक्ट अलास्का से उठा के या अमेरिका से उठा के कई यहाँ पर सीधे ले आए हों तो आपको ये एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके इस पपीज़ की आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए या इस ब्रीड के बारे में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो शौकीन भाई जो इसको ब्रीड कर रहे हैं इंडिया में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों और फैमिली, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।